लो या जिले के सरकारी अस्पताल जाओ। क्यों? बुखार शुरू ही तो हुआ है। अरे नहीं दीदी, कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है। उन्नाव दुष्कर्म मामले के सभी 5 मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। दिल्ली की 30,000 अदालत में न्यायाधीश धर्मेश शर्मा सभी 5 मामलों की करेंगे सुनवाई। विराम के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को 45 दिन के भीतर दुष्कर्म मामले की सुनवाई पूरा करने का दिया निर्देश। साथ ही रायबरेली हादसे की जांच 7 दिन में पूरी करने का सीबीआई को दिया निर्देश। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आज चौथी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज से 4 साल पहले 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने पीड़िता की मां को 25 लाख रुपए का मुआवजा सौंपा। इंदौर मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय के ट्रामा सेंटर जाकर जिलाधिकारी लखनऊ ने सौंपा चेक। 83 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और उसके परिजनों को सीआरपीएफ की सुरक्षा मुहैया कराए जाने का दिया निर्देश। दुर्घटना में घायल पीड़िता और उसके अधिवक्ता को आवश्यकता पड़ने पर एम्स लाकर इलाज कराए जाने के भी निर्देश। कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ट्रस्ट ने ईद और बकरीद के मौके पर लोगों से एक एक वृक्ष लगाने के लिए शपथ दिलाई। भाजपा ने उन्नाव दुष्कर्म मामले के आरोपी निलंबित कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से किया निष्कासित। भाजपा के वरिष्ठ नेता जीवीएल नरसिम्हा ने कहा, ऐसे लोगों की पार्टी में नहीं है कोई जगह। तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि त्योहारों के मौके पर कम से कम एक वृक्ष। रामपुर से सपा के सांसद आजम खान की मुश्किलें और बढ़ी। प्रवर्तन निदेशालय ने उन पर धन शोधन का दर्ज किया मामला। ईडी ने इसके लिए आजम खान पर दर्ज 26 मुकदमों को बनाया आधार। इस बीच समाजवादी पार्टी ने आजम खान पर दर्ज हुए मुकदमों के विरोध में गुरुवार को रामपुर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। जिला प्रशासन ने रामपुर में लगाई धारा 144, रामपुर जा रहे 1200 से अधिक सपा कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद में मध्यस्थता कर रही समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में सौंपी। सर्वोच्च न्यायालय में आज इस मामले में होगी सुनवाई। अयोध्या विवाद के पक्षकारों की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। 250 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2.5 साल के भीतर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए कहा है। इसी महीने निर्माण कंपनियों का चयन करके उन्हें अलग अलग खंडों का बांटा जाएगा। डाक विभाग के विपणन अधिकारी सत्येंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस पवित्र गंगा जल से शिव भक्त भोलेनाथ को जलाभिषेक तो कहीं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान को मिली हार के बाद उसने अब भारत की बात मानी। जाधव को भारतीय काउंसलर एक्सेस की मांग को किया स्वीकार। देश के अति पिछले जिलों की सूची में शामिल नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद्र में मुफ्त डायलिसिस मिल रही है गरीबों को। अभी तक ये सुविधा न होने से यहाँ के गरीब आदिवासी पैसे के अभाव में समा जाते थे काल के काल। राज्यसभा में नेशनल मेडिकल कमीशन बिल हुआ पास। इसके आने के बाद न सिर्फ मेडिकल शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी होगा सुधार। स्कूली बच्चों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए और विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के मकसद से केंद्र सरकार ने हाल ही में इंस्पायर अवार्ड नामक नाम से एक प्रतियोगिता की है शुरुआत, जिसमें कक्षा 6 से 10 तक पढ़ने वाले छात्र ले सकते हैं हिस्सा। बाराबंकी में फर्जी टीईटी मार्कशीट से नौकरी हासिल करने वाले 3 फर्जी शिक्षकों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नौकरी से किया बर्खास्त। साथ ही शिक्षकों के खिलाफ संबंधित ब्लॉक के एवीएसए को रिपोर्ट दर्ज कराने और रिकवरी का भी आदेश। देश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से राज्यसभा ने कल सड़क सुरक्षा के लिए कठोर प्रावधानों वाले मोटरयान संशोधन विधेयक 2019 को दे दी मंजूरी। राज्यसभा ने विधेयक को चर्चा के बाद 13 के मुकाबले 108 मतों से कर दिया पारित।